नमस्कार, मेरा नाम आलोक शुक्ला है। मैं 35 सालों से रंगकर्म से जुड़ा हूँ। एक्टर, राइटर, डायरेक्टर हूँ। पिछले साल कोरोना काल के समय मुझे GBS पैरालिसिस का अटैक आया और उसके बाद से मेरे गले के नीचे का पूरा भाग जो है बॉडी पैरालाइज हो गई। और अभी एक 15 महीने बाद भी ये उंगलियों की हालत आप देख रहे हैं, ये ऐसे अकड़ी रहती हैं, थोड़ी सी इससे ज़्यादा मुड़ती भी नहीं और सपोर्ट नहीं कर रही, और ऐसी ही घुटनों की हालत है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे, तो बैलेंस वैलेंस वगैरह सब बन नहीं रहा। मुझे 2018 में लोक रंग कर्म में सीनियर फेलोशिप अवार्ड भी प्राप्त हुआ आप लोग के स्नेह से। मेरा एक नाटक ख्वाब है जिसको SNA अवार्डी से रामचंद्र सिंह जी करते हैं, मैं राइटर डायरेक्टर हूँ उसका। मेरा उसके साथ एक प्रोडक्शन है जो वुमेन्स विक्टम है, रेप विक्टम है, उन पर है। और इस सफ़र में मैंने हबीब तनवीर साहब के नया थिएटर में आगरा बाज़ार में बहुत सारे शोज किए, 2004 से कर रहा हूँ। और ऐसे ही लगातार रंजीत कपूर जी, सुदास घोरके जी, बहुत सारे रंग डायरेक्टर के साथ जो मैं काम कर रहा हूँ, खुद भी काम कर रहा हूँ। लेकिन आज अभी 15 महीने से मैं बिल्कुल बुरी हालात में हूँ। तो मैं एक अपने नाटक की थोड़ा सा आपको बता दूं, जो ख्वाब नाटक है उसका एक गीत, जो सिंगर नहीं हूं लेकिन यह है कि उसको थोड़ा सा गा कर उसके बाद मैं थोड़ा सा एक डायलॉग आपके लिए बता दूंगा। बाबू की बतिया गुजर जाए रतिया, बाबू की बतिया गुजर जाए रतिया, सपना भरा है जग मोरा अपना, घर को मिले ना कासे कहे बतिया, बाबू की बतिया मन का जो होवे मन का ना होवे, नींद ना आए सारी सारी रतिया, बाबू की बतिया। अपनों के अपनापे के भरम में ही तो अभी तक जिए जा रहा था। सच नंगा ना हो जाए आज तक किसी कोशिश में। ये विक्की है नहीं, ये विक्की का खिलौना है। विक्की मेरा पोता, मेरे बेटे का बेटा। अभी पिछले साल ही तो हुआ है, मैं विक्की को बुलाता हूँ। बोल मटोल उसी आंखें हैं बिल्कुल कांता जैसी, लेकिन नाक तो मेरे ऊपर गई है। अभी लाता हूँ। बहुत साँचे विक्की को तो लाना बेटे, बहुत दिन हुए उसको खिलाए हुए, उसके खिलौना मेरे पास है। बिक्की को बिक्की छुट्टी में बिक्की मेरा बिक्की दौड़ाएगा गाड़ी। बिक्की ठीक तो है? ठीक है मेरा बिक्की, ठीक है। क्या हुआ कि अभी पिछले दिनों खिला रहा था तो बिक्की मेरे हाथ से पता नहीं कैसे फिसल गया। मारे कांता गुस्से में आई। बाबूजी आज से मेरी बिक्की को छूना मत, समझे? कांता ने वो ड्राइंग रूम में रखवा लिया है। और ठीक भी है, इस बुढ़ापे में अब टेलीफोन की क्या जरूरत। पलंग को प्रसाद ने अपने कमरे में रखवा लिया है, जाने दो, मेरे लिए तो ये बिस्तर ही काफी है। सही भी है, महंगाई का जमाना है,
सबके अपने अपने काम है, सबकी अपनी अपनी जगह है। की शादी में साची और प्रसाद के सहयोग न करने से कांता ऐसी टूटी की खाती पकड़ ली और जब खाट कोसी से छोड़ा, जब ऊपर वाले ने उसे बुला लिया। हालांकि मैंने कहा, देखो कांता, देखो जब कहता है उसके पास पैसे नहीं तो नहीं, और मेरे रिटायरमेंट के फंड के पैसे हैं, वो किस दिन काम आएंगे। नाराज हो गई, नाराज हो गई, फिर भी तो कर्जा तो चढ़ ही जाएगा ना। प्रसाद और सांची की लक्षण तो चुकाने से रहे। देखो देखो, मेरे तेरे पेंशन के पैसे हैं, वो घर के काम आएंगे। मुझ पे नाराज हो गए, पेंशन के पैसे हैं जिस महीने घर की भात, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल नहीं चुकाते हो उस महीने। देखते हो कांता और बहू का व्यवहार कैसा रहता है, ये तुम तो सठिया गई हो। अरे अपने घर के बिल चुकाता हूँ, पड़ोसियों के तो नहीं चुकाता। और अपना बेटा है, मेरा खून है। देखो क्या है कि कांता दूसरे घर से आई है, उसकी जिम्मेदारियां है उस पर, तो नाराज होकर बोल रहे, हाँ हाँ दूसरे घर से आई है, तभी तो मेरे बेटे को खा गई, चबा गई, क्या तो संग बकती रहती हो। अपने जीवन जीवन बकना, परेशान होना और मुझे भी परेशान करना, कांता नहीं समझ पाई, चली गई। बाबू की बतिया गुजर जाए रतिया, बाबू की बतिया गुजर जाए रतिया, सपना भरा है जग मोरा पुना, सपना भरा है जग मोरा पुना, मन का जो होवे मन का न होवे, नींद न आवे गुजर जाए रतिया, बाबू की बतिया गुजर जाए रतिया, बाबू की बतिया। कब तक आदमी किताबों से मन बहलाए, चाहे वो पोर्नोग्राफी ही क्यों ना हो, कब तक इन ताश के पत्तों की तरह अपनी स्मृतियों से आंख उछौली करता रहे। ओह मेरा दर्द, वो दर्द बढ़ता ही जा रहा है, दवाई भी खाए हुए मुझे